के बहुत दूर तक जाएगी गाड़ी, कोई लफड़ा नहीं आता डिटरमेंट का, ठीक है ना। इफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, इवन मैं आपको बताऊं, अगर बाय द वे टेस्ट पेपर में डिटरमेंट के क्वेश्चन के लिए गारंटी हो जाए कि नहीं पूछेंगे ना, तो मैं बिना डिटरमेंट के पूरा चैप्टर पढ़ाऊं और उनसे बेहतर समझ में आए आपको। डिटरमेंट का यूज ही नहीं होता, ये तो जबरदस्ती के अंदर इन लोगों ने एक डिटरमेंट सिखाने का जबरदस्ती एक जरिया पकड़ रखा है। डिटरमेंट का जीरो यूज है, लेकिन ये जो डिटरमेंट है ना वो अगले साल में काम आ जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है स्ट्रेट लाइन के अंदर। हाँ मैं चाहूं जबरदस्ती दिखाना तो दिखा सकता हूं, जबरदस्ती दिखाना चाहो दिखा दूंगा, नहीं इसमें भी डिटरमेंट लगा लिया उसमें भी लगा लिया, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अपन यूज करेंगे, है ना, क्योंकि सामने वाले में किसी ने भी यूज करा तो अपने फर्ज है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ, ठीक है ना भाई, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल दे रखिए एबीसी, ठीक है ना, आर 1 2, ठीक है ना, 0 -1 एंड 2, -1, ठीक है। अगला कहता है फाइंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, फाइंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाँ भाई उम्मीद है आप में से सभी लोगों ने क्वेश्चन लिखने के दौरान मन में इसका अनुवाद कर लिया था और ट्रायंगल एबीसी एक आपके दिमाग में चमक गया होगा, राइट है। ट्रायंगल एबीसी में हर जगह के मिड पॉइंट दे रखे हैं उसने, राइट है। अगर हर जगह मिड पॉइंट दे रखे हैं 1 2, है ना, ये वाले के मिड पॉइंट दे रखे हैं 0, -1 और ये वाले के मिड पॉइंट दे रखे हैं 2, -1, राइट है। अगला कहता है ये वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स माने ये, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया, मेरे को x1 y1 चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए x2 y2 मान लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मैंने इसे x3 y3 मान लिया, ठीक है। उम्मीद है कि, है ना, आप में से हर एक जना समझ गया होगा कि ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो मैं एक बात समझता हूं, पहली बात बात कर रहा हूं किसके लिए, है ना, एबी के लिए बात कर रहा हूं, पहली बात एबी के लिए चला रहा हूं, दिख रहा है आपको, तो मैं कह सकता हूं x1 + x2 / 2 इजिकल टू कितना 1 एंड दूसरी तरफ से y1 + y2 / 2 इजिकल टू कितना 2। तो उम्मीद है ये बात पकड़ में आ गई कि x1 + x2 इजिकल टू 2 और दूसरी तरफ से y1 + y2 इजिकल टू कितना 4। ये पहली चीज है जिसको मैंने रोक लिया कि भाई अभी पूरी बात नहीं हुई है, एक का काम हो गया। अब मैं दूसरी लाइन पकड़ता हूं, दूसरी लाइन का नाम मैंने क्या लिया बीसी। अगर मैं बीसी लाइन के लिए बात करता हूं तो बीसी लाइन का मिड पॉइंट 0 और -1 है, इसका मतलब मैं समझ गया कि x2 + x3 / 2 इज इक्वल टू दे रखा है 0 और दूसरी तरफ से दे रखा है कितना y2 + y3 इज इक्वल टू में कितना -1। इससे सबको यह समझ में आता है कि x2 + x3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 और y2 + y3 इज इक्वल टू कितना हो गया -2, राइट है भाई। अच्छा अब इससे पहले कि आगे जाऊं थोड़ा सा गैप जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूं, तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, तीसरी लाइन का नाम है एसी, राइट है। एसी लाइन के मिड पॉइंट 2 और -1 है, सब जने ये समझ गए कि x1 + x3 डायरेक्ट लिख दूं इज इक्वल टू 4, राइट है भाई, x1 + x3 इज इक्वल टू 4, है ना। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो y1 + y3 इज इक्वल टू कितना -2। ये कहानी पकड़ में आ रही है आपको, है ना भाई। अब जरा कहानी के अंदर दूसरे पहलू पे गौर करना, कहानी में तीन तीन इक्वेशन है, है ना, और उन तीन इक्वेशनों में पहली दो इक्वेशन, है ना, को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से ये घटा दिया, घटाते x2 कट जाएगा, सब लोगों को x1 - x2 दिख जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया है ना भाई, तो x1 - x3 दिख गया इजिकल टू में 2, बात पकड़ में आ गई। इसी प्रकार इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, है ना, y1 - y3 दिखने लग गया, y1 - y3 इजिकल टू 6, राइट है। ये x1 - x3 है, ये x1 + x3 है, अब मैं दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, है ना भाई, तो पहली बात जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करते x3 कट जाएगा, सब लोगों को दिख जाएगा, ऐड करते क्या हुआ, x1 = 2x1 = 6 माने x1 = 3। ये पहला पॉइंट है जो मेरे पास चमका, लेकिन x1 के 3 आते ही बहुत सारी बातें और खुल गई। x1 अगर 3 है तो x3 की वैल्यू 1 हो गई, मैं यही रख दूंगा, है कि नहीं, तो मेरे पास x3 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, बात समझ में आई आपको, है ना। अच्छा x1 की वैल्यू अगर 3 मैं यहां रखता हूं तो x2 की वैल्यू -1 हो गई, राइट है, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई एंड x1 = -1, ये बात भी मैंने लपक ली, राइट है, x2, है ना। अच्छा अब काम की बात, लास्ट पॉइंट उठ रहा है,
इसी प्रकार जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही मेरे पास में क्या आएगा, y3 कट जाएगा, y1 इज इक्वल टू में कितना आ गया, नहीं ऐड करते ही आ जाएगा 2, बिल्कुल सही, ठीक है, y2 इज इक्वल टू 2, अब y1 की जगह पे 2 रखते ही y3 इज इक्वल टू कितना हो गया, y3 इज इक्वल टू -4, राइट है, और y1 की जगह 2 रखते ही y2 इज इक्वल टू 2, राइट है भाई, ये तीन पॉइंट और निकल गए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास वर्टिसेस क्या क्या है, अगर किसी ने पूछा ए कौन है, किसी ने पूछा बी कौन है, किसी ने पूछा सी कौन है, राइट है, तो मैं तीनों पॉइंट के नाम क्या क्या लूंगा, पहले वाले पॉइंट के नाम x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 2, याद है ना, ये नहीं लूंगा, 3, 2 पहला पॉइंट इज 3, 2, सेकेंड पॉइंट x2 और y2, दिख रहा है, y2 और x2 -1, 2, राइट है भाई, एंड इन द लास्ट x3 और y3, तो कितना आ गया 1, -4, बेहतरीन है ना। तो अगर देखा था वर्टिसेस ये आ गए, ठीक है, अच्छा काम की बात नंबर 2, ठीक है, अगर आप में से किसी ने थोड़ा सा अकल लगाई और ये सब टाइम पास नहीं करा, ये वो हैं जो यहां का जनरल मेथड है, मैं मेरा वाला दिखाता हूं, अगर आप में से किसी को दिख रहा है ये पैरेललोग्राम दिख गया, पैरेललोग्राम अगर पैरेललोग्राम दिख गया तो ये वाले पॉइंट अगर मेरे को निकालना तो ये प्लस ये माइनस ये कर दूं, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, 1 में से 2 घटाया -1, राइट है, 2 प्लस -1 1, 1 में से 1 गया 0, तो -1, 0, देखो कोई कोऑर्डिनेट है क्या, -1, 0, इसका मतलब अपन कुछ गलती कर बैठे, दोबारा देखो जरा, 2 माइनस 1 1 1 माइनस -1 प्लस, याद आ गया कि नहीं, प्लस हो गया था, अब समझ में आया, गलती कर बैठे थे, -1, 2, अब जरा इसमें दोबारा दिमाग लगाना, अब की बार दिमाग किसमें लगाना है, इस लाइन को मिलाता हूं, अब की बार इसको देखो, दिख रहा है आपको ये, देखा क्या ये पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का सम माइनस ये करूंगा, इन दोनों का सम 3 3 माइनस 0 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, है ना, इन दोनों का सम 1 1 में से -1 घटाया तो 2 3, 2, है क्या कोई कोऑर्डिनेट, दिख गया आपको, ए की वैल्यू आ गई 3, 2, राइट है, अब जरा इसकी बात करता हूं, राइट है, अब की बार मेरे को पैरेललोग्राम कौन सा वाला दिखने वाला है, ये क्या ख्याल है, अगर ये दिखेगा तो इन दोनों का सम डायगोनल के कॉर्नर का सम माइनस ये वाला, इन दोनों का सम कितना 2 माइनस 1, बोले तो 1, इधर देखा था -1 और -1 -2 में से 2 घटाया -4, है क्या कोई आंसर, 1, -4, तो सी इज इक्वल टू 1, -4, क्या ख्याल है, वो ये ना, हाँ डायरेक्ट जिसमें आंसर बने, ठीक है ना, जो मुद्दे पे खेले बेहतर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, कि इफ x1 x2 x3 आर रूट्स ऑफ, ठीक है ना, इक्वेशन, ठीक है ना, दे रखा है x³ - 3px² + 3qx - क्या लिख दे रहे, -19 = 0, राइट है, देन फाइंड, ठीक है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, देन फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, अच्छा, और साथ में एक डायग्राम भी बनाया है, ये जरूर याद रखना है, इसमें डायग्राम का ही रोल है, ठीक है, अगले ने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नहीं दिए उसने, अभी तो सिर्फ रूट दिए हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1
1 अपॉन x1, बेटा B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, 1 अपॉन x2, बेटा भाई C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3, 1 अपॉन x3। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट? एक सेकेंड, कितने लोगों को याद है? इसका मतलब ये नहीं कि सबको बताया जाएगा। हाँ भाई तुम बताओ। नहीं नहीं, वो तो इन सेंटर के थे, पास वाला सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। नहीं ध्यान, बताओ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तुम बैठ जाओ ना, कोई तकलीफ थोड़ी ना। अच्छा मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूं। हाँ भाई इधर कॉर्नर। अच्छा चलो तुम ही बता दो। बिल्कुल, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और दूसरी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, राइट है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, इन तीनों के x का सम डिवाइड बाय 3, तीनों के y का सम डिवाइड बाय 3, राइट है। तो पहली चीज जो आपको चमकनी चाहिए ना, वो ये चमकनी चाहिए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, राइट है भाई। और दूसरी तरह से 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डिवाइड बाय कितना? 3। कहानी पकड़ में आई? बस इतना ही करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, राइट है। अब लेकिन लपका क्या कहानी के अंदर? आप यहीं के यहीं इस बात को कंप्लीट करके निकलोगे अगर आपको बदल गया कि इसके रूट x1 x2 x3, यही तो बताया ना इसने कि इसके रूट क्या है, x1 x2 x3। तो कितने लोगों को ये पता है कि रूट्स का सम? हाँ भाई एक सेकेंड, हाँ तुम बताओ रूट्स का सम, सम ऑफ रूट क्या होता है? बेहतरीन, माइनस बी बाई ए। इसका माइनस बी दिख रहा है आपको, माइनस और माइनस थ्री पी, बोले तो थ्री पी, थ्री पी डिवाइड बाई ए, ए का मतलब वन, राइट है ना भाई। इसमें कोई दर्द तो नहीं? अच्छा जल्दी से बता दो फिर, समेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू याद है ना? इसको तो बोलूंगा समेशन ऑफ एक्स वन, एक याद है समेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू। हाँ भाई इसको करो कितना? थ्री क्यू, बहुत बढ़िया थ्री क्यू। एंड इन द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको करो कितना? 19। कोई दर्द? अच्छा अब इसकी बात की बात रखते हैं, आगे की बात सुनना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लेकिन अब आप में से किसी को अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे को दिख रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 अपॉन में, नीचे मैं इसका एलसीएम एलसीएम ले चुका हूं, एलसीएम लेने के बाद मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ समेशन x1 x2 अपॉन में 3 टाइम्स x1 x2 x3, क्या आपको पता चला मैंने क्या किया? हाँ भाई क्या किया बोलो? इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही ये बन गया, हाँ या ना। अब देखो क्या मेरे पास सारा सामान मौजूद है क्या? इसकी जगह क्या भरूं? 3p, 3p बाई 3। इसकी जगह क्या भरूं? 3q, 3q बाई 3 इंटू 19। तीन से तीन कट गया, इधर तीन से तीन कट गया, आंसर क्या हो गया? पी कोमा क्यू बाई 19। ये कौन हो गया? सेंट्रॉइड माने जी। कहानी में पकड़ में आ गया? चलिए अगले पे बात करेंगे। हाँ भाई तीन वर्टिसेस दे रखे हैं सरकारी, ठीक है। आपसे मांगने वाले ने कहा चौथे वर्टिसेस के बारे में बताओ, राइट है। और इसमें ये भी, इसने बाजू में कहीं ये वर्ड यूज कर लिया कि ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड, राइट है भाई। ऑर्डर नहीं गिवन है, ऑर्डर मेंशन नहीं किया, क्या इसका कोई फर्क पड़ता है या ये एक ही बात है? हाँ भाई बहुत नटसेल में अपनी बात खत्म कर दूंगा। हाँ नहीं, मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, आप में से कोई अगर समझ पाए तो। ये तीन जो गिवन है वो ट्रायंगल बनाएंगे,
पैरेललोग्राम में कोई भी तीन पॉइंट पकड़ लो ना, ट्रायंगल बनाएंगे। चौथा मुझे आइडिया नहीं है, चौथा ये है। अब तो पैरेललोग्राम दिख गया। Yes, हाँ या ना, चौथा पॉइंट ये, तीन पॉइंट ये, मान लो ऑर्डर नहीं दिया हुआ। लेकिन ये अकेला नहीं है, आप में से कोई कह सकता था इधर भी तो बन सकता था सर वो पॉइंट। Yes, ये पॉइंट इधर भी तो बन सकता था, है ना। एक जना कहता नहीं सर ये तीन है, ये भी बन सकता था। Yes, इसका मतलब चौथा पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इसके सिवा कहीं नहीं हो सकता। ये पॉइंट पकड़ में आया, अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ मतलब अपन को पता है क्या, अपन ही मानते पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर पहला दूसरा तीसरा ये नहीं मानता, सोचो मैंने इससे पहला माना, इसे दूसरा, इसे तीसरा, तो चौथा ये हो गया ऑटोमेटिकली, नहीं आया पकड़ में। अगर मैंने इसे पहला माना, इफ दिस इज फर्स्ट इट इज सेकंड इट इज थर्ड, तो ऑटोमेटिकली इट इज फोर्थ। अरे एक दो तीन चार, कहानी पकड़ में आई। अगर भाई तो मैंने इसे पहला माना एक दो तीन चार, ऑटोमेटिकली आऊंगा मैं। और अगर मैं इसे पहला मानता हूं रेडे, या इसे पहला मानता हूं एक दो तीन चार, बात पकड़ में आ रही है, माने चौथा कोई भी हो सकता है अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो। पकड़ में आया। अगर भाई तो मैं दिखाता हूं एक दो तीन और ये चार, चौथा ये होगा। इन केस अगर भाई तो वे मैं रेडे भाई इसे पहला मानता हूं एक, ये हो गया दो, अच्छा ये हो गया तीन, तो ये ऑटोमेटिकली चार हो गया, ठीक है, पिंक चौक से जो लिखा हुआ है। अच्छा उसी प्रकार से अगर भाई तो मैं जो वॉयलेट कलर है उसके वाले से अगर खेलता हूं, तो मैं इसको वन मानता हूं एक दो तीन और ये क्या हो गया चौथा। रेडे क्रम अगर भाई तो मैं किसको क्या ले रहा हूं, मैंने हर एक किसी को अलग अलग चौक से दिखाया है। अगर मैं व्हाइट से ले रहा हूं वन टू थ्री फोर, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। फिलहाल अब मुद्दे पे आते हैं। रेडे इनको आपने भर दिया, चार कोमा एक को आपने पसंद से भर दिया, पांच कोमा माइनस दो को यहां भर दिया, और ये वाले को कहां भर दिया, तीन कोमा सात यहां पे भर दिया। चौथा तो खटखट निकलेगा। अब सोचो अगर मुझे चौथा निकालना है तो सोचो जरा, ये व्हाइट वाले को वन माना मैंने, ठीक है ना, याद है हम लोग कैसे निकालते हैं चौथे को, इन दोनों का सम माइनस ये, सही ना। तो इन दोनों का सम करते कितना होगा, तीन और चार सात, सात माइनस पांच बोले तो टू, राइट है। इन दोनों का सम आठ, आठ माइनस माइनस दो दस, सोचा आपने। अच्छा जबकि उधर वाले में क्या खेल होगा, इधर वाले में अगर इसकी बात करता हूं तो ये डायगनल हो गया, दिस टाइम मैं ये इसको ऐड करूंगा। इन दोनों का सम नाइन, नाइन माइनस थ्री सिक्स, कहानी पकड़ में आई। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस सेवन माइनस एट, कितना अलग अलग अंतर है। आखिर यहां पर देना मैं चेंज करूं या आप कर लोगे, आप कर लोगे, अच्छा ठीक है, हाँ भाई है ना, मैं यही कह रहा था आप कर लोगे है ना, तो कर लेते ना। चले आगे, अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ इसको तो निकाल ही लेंगे ना। इंटरेस्टिंग, ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड का मतलब, ठीक है। थ्योरम वन ब्रीफिंग, अब तक की जितनी दूर चला मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं, माने कुछ ऐसे पॉइंट या ऐसे कुछ फैक्ट्स जो अब तक हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए उनके बारे में चर्चा करूंगा, राइट है। सबसे पहले नंबर की थ्योरम, फर्स्ट नंबर थ्योरम पे लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। फर्स्ट थ्योरम, पहली थ्योरम कहती है मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक्स अ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक्स अ पैरेललोग्राम। बहुत नटसेल में अपने वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, ब्रीफ वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। अगर अचानक से आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल थमा दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2,
इसके कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स फोर वाई फोर है, राइट है। और कोई कह दे कि भैया इनके मिड पॉइंट पकड़ो और मिलाओ, तो आप देखिएगा अगर आपने इसके मिड पॉइंट को पकड़ा, इसका मिड पॉइंट अगर जानो तो एक्स वन प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई टू, और दूसरी तरह से वाई वन प्लस वाई फोर डिवाइड बाई टू, ये प्रकट हो गया। इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट हो जाते हैं, इसके मिड पॉइंट प्रकट हो जाते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और दूसरी तरह से क्या प्रकट होते हैं वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, राइट है कि नहीं। अच्छा इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट होते हैं एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, यहां से देखा जाए तो वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू कह सकता हूं। अच्छा इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट हो रहे हैं, इसके मिड पॉइंट प्रकट हो रहे हैं एक्स थ्री प्लस एक्स फोर बाई टू, और दूसरी तरह से कितना वाई थ्री प्लस वाई फोर बाई टू कह सकता हूं कि नहीं। जिस दिन मैंने इन्हें मिला दिया, ये एक पैरेललोग्राम देके रहेगा, इट विल बी अ पैरेललोग्राम, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इट विल गिव यू अ पैरेललोग्राम। अब पता कैसे चलता है सर ये पैरेललोग्राम देगा या नहीं देगा, पंगा ये है, कैसे पता करोगे, ठीक है आप इसको बनाओ, तब तक सोचने का समय है आपके पास में, कैसे पक्का करोगे। बन गया डायग्राम, फटाफट डायग्राम बनाओ। आसान रास्ता पकड़ो, पहला पहला ये चार के चार जो मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बताए थे उनकी पहली निशानी देखो, चारों ज्योमेट्रिकल फिगर कौन कौन से, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन चारों की पहली निशानी है उनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट होते हैं। अगर इनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट है तो लॉजिकली सोचना इनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट है कि नहीं है, कोई सोचेगा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को इंसिडेंट होना चाहिए, सही है। तो फर्स्ट निशानी सबसे पहले तो चेक करो, चेक मिड पॉइंट को इंसिडेंट और नॉट, मिड पॉइंट को इंसिडेंट, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी, मिड पॉइंट को इंसिडेंट है कि नहीं है। अगर आपको पता हो तो इसके मिड पॉइंट में डायरेक्ट बोल रहा हूं, देख लेना आप लोग, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू प्लस नीचे वाले का, ठीक है एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स फोर बाई टू, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, राइट है कि नहीं, एंड होल डिवाइड बाई टू, ये प्लस ये बाई टू, पक्का। अच्छा दूसरी तरह से वाई का कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ दो आप। क्या आपको पता है ये कितना बन गया, ये कितना बन रहा भाई, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई फोर, राइट है कि नहीं, ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया। किसका कोऑर्डिनेट, इसका, इस साइड से, है ना। अगर भाई तो दूसरी साइड से देखा जाए, ये तो फ्रॉम फर्स्ट साइड, पहली साइड। अगर भाई तो आपने सेकंड साइड से देखा तो सेकंड साइड कौन सी वाली है, सेकंड साइड ये दोनों वाली है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करते कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू प्लस में कितना एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई टू कॉमा डैड डैश छोड़ दो, है कि नहीं, अगर आपको डिवाइड बाई टू, है कि नहीं, अगर आपको ध्यान पड़ रहा हो तो ये वापस वही मिल गया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर बाई फोर, मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं। इसका मतलब ये कि ये और ये सेम है, मिड पॉइंट को इंसिडेंट है, ठीक है ना। हाँ अब डायगनल का 90 डिग्री पे होना वो आप चेक कर लेना, याद आ गया। पैरेललोग्राम के लिए दोनों डायगनल का डिस्टेंस भी सोच सकते हैं आप, लेकिन वो और टाइम कंज्यूम होगा, आप तो स्लोप सोच लेना, ठीक है सोच लेंगे, है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होंगे, इसलिए अपन बच के निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे बात करेंगे, ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिएगा नाउ चेक, ठीक है ना, स्लोप ऑफ डायगनल्स। ठीक है नाउ चेक स्लोप ऑफ डायगनल्स। सेकेंड थ्योरम जल्दी आ दो, हो गया। हाँ भाई सेकेंड पॉइंट है, लिखिएगा थ्योरम में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ,
सॉरी मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस, मिड पॉइंट मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस ठीक है इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये क्या पंगा है, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, बहुत सीधा सा पंगा है साहब। पहली बात तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ वरना हाइपोटेन्यूस आएगा ही नहीं, सही है कि नहीं। पहला लफड़ा यही है कि आप तो पहले हाइपोटेन्यूस को दुनिया में लाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मीडियन बनाने के लिए हाइपोटेन्यूस पर मीडियन डालने के लिए यहीं से मीडियन डलेगी, अरे यहीं से डलेगी ना। अब मेरी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि इस समय पर अगर ये मीडियन है तो मीडियन की लंबाई हाइपोटेन्यूस की लेंथ की आधी है, मैं ये और ये तो बराबर है ही, साथ में ये भी बराबर है ना, ये तीनों बराबर हैं। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट की वर्टेक्स दूरी और मिड पॉइंट की तीनों वर्टेक्स दूरी हाइपोटेन्यूस की तीनों से बराबर होती है ना। और ये कैसे होता है, सेमी सर्कल की वजह से। आप में से किसी को याद हो सेमी सर्कल के लिए तीनों रेडियस हो गई, याद आ गया? हाँ, क्योंकि ये याद है सेमी सर्कल में बनेगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो सेमी सर्कल में बनेगा, और सेमी सर्कल में बनेगा तो ये दूरी और ये दूरी तो वैसे ही बराबर हो गई, क्योंकि ये तो अपन ने डायमीटर ले ली, तो डायमीटर के हिसाब से ये रेडियस और ये ऑटोमेटिकली रेडियस पड़ी गई, सही ना। तो बिकॉज ऑफ रेडियस, अगले पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट थ्योरम नंबर थ्री, इफ डायगनल ऑफ ए पैरलोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ रोम्बस, जबकि दिमाग में क्या आना चाहिए था, पैरलोग्राम का सबसे नजदीकी भाई रेक्टेंगल होना चाहिए था, लेकिन कहानी में कौन घुस गया, रोम्बस है ना। अगले पे आ जाओ, डायगनल्स ऑफ देख लो, हाँ अगली थ्योरम, थ्योरम नंबर फोर, डायगनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कितने लोगों को याद है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होता है, जब बेस एंगल इक्वल होते हैं, याद है यहां, हाँ तो लिख लीजिएगा डायगनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल। फोटो समझ में आ गई आपको, फोटो ये वाली है ना, ये डायगनल और ये डायगनल की लेंथ हमेशा बराबर होगी ठीक है। अगले पे आ जाइएगा, फॉर एनी पैरलोग्राम ठीक है ना, फॉर एनी पैरलोग्राम ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड्स, अपोजिट साइड होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है ना, टू टाइम्स इज इक्वल टू में डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर, ये सब काम की चीजें हैं जो आने वाले टाइम में कहीं कहीं कोई कोई उठाता रहेगा और अपन हां हां भर के निकल जाएंगे चुपचाप ठीक है ना। ये देखो आप तो फॉर एनी पैरोग्राम ये लिखना है, ये आप वो थोड़ी ना लिखे कोई ट्वाइस, ये यहां लिख रहा हूं ना मैं, ट्वाइस द सम ऑफ द साइड्स स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू में ठीक है ना डायगनल्स के स्क्वायर का सम। अब आप में से किसी को समझ में, ए कौन है, अपोजिट साइड्स, अरे किसी पैरोग्राम में ये साइड ए है राइट है और ये वाली साइड क्या है बी, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना ये भी ए हो गई ये भी बी हो गई, अरे ये ए और बी तो पक्का हो गया ना, तो दो ही तरह की साइड होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट है। नेक्स्ट पे लिख लीजिएगा ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स, आप में से कोई अगर इसको लपक पाए तो बहुत बढ़िया लगेगा ठीक है, लिख लीजिएगा फॉर्मूला फॉर मीडियन ठीक है ना, अगर आप इसको समझ जाए, L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 बाय 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट है, 3 बाय 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
किसी को याद है एल वन का स्क्वायर कितना होगा? एक बटा चार, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगले वाले का कितना होगा? एक बटा चार, टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर तीनों को जोड़ूंगा, याद है? हर किसी के हिसाब से देखा जाए तो एक एक कम हो जाएगा, आंसर में ये आ जाएगा, है ना, प्रकट हो जाएगा। नीचे तो चार पक्का हो ही गया था, ठीक है ना। अरे चार बार ए स्क्वायर आएगा, चार बार बी स्क्वायर आएगा, चार बार सी स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। लिखेगा थ्योरम नंबर क्या चल रही है, सेवन, है ना भाई, सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं, ब्रीफ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन फॉर, लेंथ ऑफ मीडियन फॉर आइसोसेलेस, लेंथ ऑफ मीडियन फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, टू इक्वल साइड्स। लेंथ ऑफ मीडियन फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये फोटो है, ठीक है, हमको पता लग गया ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं। तो इन पर डली हुई मीडियन की लेंथ, ये मीडियन और इस पर डली हुई मीडियन की लेंथ हमेशा बराबर होगी। इक्वल साइड पे अगर मीडियन डाली जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो मीडियन की लंबाइयां बराबर होती हैं, इक्वल साइड होनी चाहिए, नहीं आया? अगर भाई दो फोटो ऐसी भी बना लोगे तो भी कोई दर्दनाक नहीं बनेगी, ठीक है ना। इससे इस पे लेंथ डालिए, इससे इस पे डालिएगा, ये दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होगी, ठीक है ना। काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, आइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक बार जरा क्वेश्चन देख लो मेरा वाला, को ड्यू नहीं आ जाए, क्योंकि कल तक मैंने आपको इससे लिया था ना क्वेश्चंस। हाँ भाई है अभी, ठीक है, पॉइंट रह गया था कल का। अगले वाले में लिखेगा, ठीक है, अब ये थ्योरम नहीं है, पॉइंट नंबर एट है, है ना। यहां तक तो थ्योरम 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 चल रही थी, ठीक है। अगले में लिखेगा मिड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, ये काम की चीजें। इससे पहले वाली जीती दी हो तो सिर्फ याद रह जाए, ठीक है, नहीं रह जाए तो कोई नहीं, ये तो जरूर याद रहना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख देना पहले से ही, एंट्री लेवल भाई लिख लेना। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नाम लेते ही दिमाग में क्या आ गया? राइट एंगल, फिर भी लिख देना, भूल जाओगे। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज सर्कम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज सर्कम सेंटर, ठीक है भाई, सर्कम सेंटर। एंड पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज, एंड पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर, यस गुड है, वेरी गुड। एंड पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर। एक बार जरा फील करना भैया, इसका ये तो मिड पॉइंट होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, ये मिड पॉइंट, ये तो सर्कम सेंटर होता है, क्यों? क्योंकि वही सेमी सर्कल, अरे सेमी सर्कल, ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है ना, सेमी सर्कल। तो ये अगर देखा जाए पूरा सर्कल भी यूं बनेगा, तो ये सर्कम सेंटर हो गया, राइट है, एक बात। और ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, क्योंकि इस पॉइंट से डला हुआ वर्टेक्स और इस पॉइंट से डला हुआ वर्टेक्स 90 डिग्री बना रहा है, और दो जगह से, दो पॉइंट से अगर वर्टेक्स 90 डिग्री बना जाए, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पक्का हो गया। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट लिखेगा, इन वापिस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं भाई, ये दो पॉइंट तीन पॉइंट जो चल रहे हैं। अगला पॉइंट लिख लेना, मजा आ गया ना, बिल्कुल केमिस्ट्री वाली फील आ रही है ना, खूब लिखो, है कि नहीं। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखेगा, इन इक्वलेटरल ट्राइंगल, इन इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इन इक्वलेटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर, या सर्कम सेंटर वगैरह लिखोगे तो बोर हो जाओगे आप, ठीक है ना। सीधा सीधा लिख लो, ओ सर्कम सेंटर, याद है ना, सीधा लिख लो आप, तो ओ जी एच एंड आई, ठीक है ना, लिख लिया ओ जी एच आई। किसी को बताए ओ बोले तो, ये अरे ओ
अरे ओ सर्कम सेंटर, हाँ ये सेंट्रॉइड, ये ऑर्थो सेंटर, ये इन सेंटर, ठीक है, लाई एट सेम पॉइंट, लाई एट सेम पॉइंट, सबका पॉइंट एक ही होता है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जबरदस्त स्केल होता है। अगले पॉइंट में लिखना, पॉइंट नंबर क्या चल रहे हैं, 10, हाँ लिखेगा, इन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल OGHI, इन इक्विलेटर सॉरी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल OGHI, ठीक है ना, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर OGHI, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल OGHI, वो एक पॉइंट पे नहीं होते, अब एक लाइन पे होते हैं, OGHI है ना, आर कोलिनियर, ठीक है, अगले वाले में लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना, एक्सेप्ट दीज टू ट्रायंगल, एक्सेप्ट दीज टू ट्रायंगल, अगला पॉइंट लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, महामहत्वपूर्ण है ये वाला बिंदु, ठीक है ना, लिख लेना, एक्सेप्ट दीज टू ट्रायंगल, ठीक है ना, OGHI नहीं, अब सिर्फ लेना है HGO, ठीक है ना, हाँ HGO आर ऑलवेज कोलिनियर, है ना, HGO आर ऑलवेज कोलिनियर, राइट है ना, अच्छा, एंड G डिवाइड द लाइन इन रेशियो 2:1, एंड G डिवाइड द लाइन इन रेशियो 2:1, लिख लिया, अब जरा इसके नीचे फोटो बना देना, एक नॉर्मल ट्रायंगल है, उस नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर H, G और O ये हमेशा एक लाइन में होते हैं, राइट है, और G जो होता है वो इस पूरे खेल को 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ये तो याद भी हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ, इन एनी अदर ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, कैसा भी ट्रायंगल हो हर बार होगा, तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे और ये डिवाइड करेगा, है ना, ये तो याद भी हो जाएगा ना, कोई भूलेगा तो नहीं, है ना, फॉलो दिस येलो लाइन, हाँ भाई, अगला अगला पॉइंट क्या है, हाँ भाई अगला पॉइंट लिखेगा, मैं इसको लिखवाऊं उससे 100 गुना अच्छा है मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि है ना ये बहुत लेंथी लिखने में जाएगा, पॉइंट नंबर 12 है ना भाई, पॉइंट नंबर 12 है ना भाई, जरा समझना पूरी कहानी में क्या है, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे आपने तीन पॉइंट इस तरह पकड़े, कोई भी तीन पॉइंट इस तरह पकड़े, क्या कि उनका रेशो m:n है, अगला पॉइंट आपने इस लाइन पे पकड़ा जिसका रेशो वापस m:n है, अगला पॉइंट आपने इस पॉइंट लाइन पे पकड़ा जिसका रेशो वापस से है ना m:n है, कहानी पकड़ में आई, हर बार आपने तीन पॉइंट इस तरह पकड़े कि m:n दिख रहा है आपको, अगर आपको m:n दिख रहा है हर बार और आपने इन तीनों को मिला करके एक ट्रायंगल बना लिया, माने अगर बाय द वे किसी ट्रायंगल पे इफ थ्री पॉइंट्स आर सच दैट दे डिवाइड्स ऑल थ्री लाइंस इन द सेम रेशियो देन ट्रायंगल क्रिएटेड बाय देम, ठीक है ना, नाना देन ट्रायंगल क्रिएटेड बाय देम विल हैव द सेम सेंट्रॉइड एज द बिगर ट्रायंगल विल हैव, जो बड़े वाले ट्रायंगल का जो जी होगा वही छोटू ट्रायंगल का भी जी होगा, कहानी पकड़ में आ गई, माने दोनों का जी सेम है, ठीक है, लिख ले, ट्रायंगल एबीसी का जी एजल्टो में इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम भी अब अच्छा रख लेते हैं PQR, राइट है, ये एबीसी है, राइट है, एबीसी ट्रायंगल PQR का जी लिख लेना भाई, ये तो है ना भाई, इसमें छोटा रह जाएगा मामला, काम भी नहीं अड़ेगा, ठीक है, पॉइंट में अगले पॉइंट पे आ जाओ, इसका मतलब सर अगर कल को कोई तीन पॉइंट इस तरह दे रखे हैं जो अपने आप में क्लेम करते हैं कि वो तीनों वर्टेक्स के मिड पॉइंट हैं, और किसी ने बड़े वाले ट्रायंगल का जी पूछ लिया
है ना, तो क्या हमें वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे? नहीं, जो छोटे ट्राइंगल का वर्टेक्स का जी आएगा वही ऑटोमेटिकली है कि नहीं जी होगा, है कि नहीं भाई। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट पकड़ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ठीक है अगला पॉइंट ले लीजिएगा, सीन समझा देता हूं। पहली बात देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का यहां कहीं आई वन आ रहा है, क्या आ रहा है? आई, सॉरी आई वन नहीं, आई आ रहा है। आई बोले तो इन सेंटर, इन सेंटर बोले तो इन सर्कल का सेंटर, इन सर्कल का जो सेंटर होता है ना, अगर ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड अगर बी है और ये वाली साइड अगर सी है, ये ए ये बी ये सी है, राइट है, तो इन सेंटर जो होता है वो अपने आप में इन दोनों को मिलाने वाला, याद है ना, इन दोनों को मिलाने वाली साइड को बी प्लस सी इज टू ए में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब मैं आपने से किसी को अगर याद हो तो एक बहुत अच्छी बात याद दिलाता हूं, अगर आप सोच जाओ तो इस वाले को अपन लिखा था ए सी अपॉन में बी प्लस सी, राइट है, और इस वाले को लिखा था सी, राइट है। अब किसी को भी दिमाग चलता हो तो सी से सी काट दिया, तो यहां हो गया ए अपॉन बी प्लस सी इज टू वन, है ना, ए प्लस बी, मैंने इसको अगर बाय द वे डिवाइड कर दिया तो कितना दिखने लग गया, ए अपॉन में कितना, बी प्लस सी इज टू कितना, वन। अब बी प्लस सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो गया ए और उधर कितना हो गया, बी प्लस सी। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो कहना मतलब ये वाला दो पॉइंट है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को बी प्लस सी इज टू ए में डिवाइड करते हैं, राइट है। तो आई जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर लाइन को बी प्लस सी इज टू ए में डिवाइड करता है ना। अब काम की बात क्या है, इसी लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये जो बाहर की तरफ एक एक्स सर्कल बनता है कि नहीं, उस एक्स सर्कल का है ना आई वन जो आएगा ना, उस सर्कल एक्स सर्कल का जो आई वन आएगा है ना, वो भी उसी लाइन पे पड़ेगा, और काम की बात क्या, वो भी डिवाइड करेगा बी प्लस सी टू ए में, लेकिन कैसे, अब की बार एक्सटर्नलिटी डिवाइड करेगा, इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा बी प्लस सी टू ए में, और वो इंटरनली डिवाइड करेगा। कहानी पकड़ में आ गई, ये दोनों के बीच का लिंकेज है आई और आई वन के बीच का, है ना, लिख लेते हैं। अच्छा खैर वो ये वाली बात तो पकड़ में आ गई, बी प्लस सी टू ए, हाँ या ना, वो बाद में देख लेना, एक्सटर्नली इंटरनली बाद में देख लेंगे, पहले तो आप लिख लो। हाँ ये एंगल बाई सेक्टर है। अच्छा कितने लोग ये पकड़ में आगे एंगल बाई सेक्टर बोले तो, अरे एंगल बाई सेक्टर बोले तो एंगल बाई सेक्टर, लेकिन आगे तो बोलो है कि नहीं, अरे ये कितना है, ए बाई टू, ए बाई टू, हाँ ये लिख लेना, आप में से कई लोग भूल जाएंगे नहीं तो हवाई नहीं लगेगी कौन क्या किस लिए किसके कारण, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई लिख लीजिएगा, आई डिवाइड्स, ठीक है ना, इन सेंटर आई डिवाइड्स, राइट है, इन सेंटर आई डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, अरे लाइन ज्वाइनिंग नहीं, एंटर इन सेंटर आई डिवाइड द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इन बी प्लस सी टू ए, इन रेशो बी प्लस सी टू ए, इंटरनली आई डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन रेशो बी प्लस सी टू ए, ब्रैकेट में इंटरनली लिख लिया, एंड आई वन डिवाइड्स एंड आई वन डिवाइड्स, ठीक है ना, द लाइन ज्वाइनिंग आई वन डिवाइड्स, नहीं एंड आई वन डिवाइड्स, है ना, बस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग वगैरह हटा देना, एंड आई वन डिवाइड्स, ठीक है ना, इन बी प्लस सी इज टू ए, वापिस से वही लिखना, इन B प्लस सी है ना इज टू ए, और ब्रैकेट में लिख देना एक्सटर्नली, ठीक है ना, B प्लस सी इज टू ए। अब आप ऐसा तो नहीं लिख रहे ना, B प्लस सी इज टू ए, ऐसा तो नहीं लिखा ना किसी ने, है ना, चमत्कार मजा दोगे है कि नहीं। अगला नोबेल प्राइज बालक, इसी बालक को मिलेगा ये वाली बात, अब खोपड़ी में घुस गई है ना। एक बार जरा रफली फटाफट फटाफट सारे पॉइंट को आप में से मेरे को कोई बता दे, पहला पॉइंट याद है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट को मिलाओ क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम है क्या भाई। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ना 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 ना, मीडियन जो पड़ती है हाइपोटेन्यूज पे वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। तीसरी क्या थी, पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर 90 डिग्री पे आ जाए तो रोम्बस बनाते हैं। चौथा क्या है,
डायगनल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर ऑलवेज इक्वल. अगला कौन सा था? हाँ भाई, लेंथ ऑफ मीडियन क्या था यहाँ? L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? हाँ भाई, और पैरेलोग्राम के लिए टू टाइम्स उसके एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम है ना, इज इक्वल टू में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर. अच्छा, अब आप में से कितने लोग, ये कई लोग है ना, यहाँ पे थोड़ा सा है ना माहौल में आ गए थे, माहौल में सही है ना, ये उनको लगा था ये तो कोई भारी वाली बात हो रही है. अरे क्या भारी वाली बात हो रही है, ये साइड है, ये साइड की लंबाई बोलो, ये वाली साइड की लंबाई बोलो बी. हाँ है ना. अच्छा, इसका पैरामीटर बोलो, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, बोलो तो टू टाइम्स ए प्लस बी. अब ये वही लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, ये कहना चाहता है ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है कि नहीं, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू में डायगनल का स्क्वायर का सम. ये है थ्योरम. अरे इसको पकड़ में आई वाली बात, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, ये सारी चीजें ना अचानक उड़ जाएंगी. अब जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, क्या क्या भूल गए, किसी टाइम पे मैंने एक बात बोली थी कि अगर बाय द वे कोई कॉर्ड है नहीं, ये दो कॉर्ड है एक दूसरे के साथ में इस तरह जा रही है, ये एक्स है, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो क्या बोलूं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी है कि नहीं भाई. अच्छा, कितने लोगों को याद है चार पॉइंट के कॉन्साइक्लिक होने का फंडा क्या है? एक मिनट, धीरे 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 धीरे. हाँ भाई, नाम रख रहा हूं मैं इनका, मैं नाम भी तो रखता हूं फिर सोचना, एबीसीडी नहीं. हाँ, ये बात बराबर, अपोजिट अपोजिट साइड्स का स्क्वायर का सम नहीं, अपोजिट साइड का मल्टीप्लीकेशन प्लस अपोजिट साइड का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू में डायगनल का मल्टीप्लीकेशन. नहीं याद आया? याद आ गया. और ये कॉन्साइक्लिक होने के लिए मस्ट है ना भाई. अच्छा, कितने लोगों को याद है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन कौन से चार पॉइंट एक ही जगह होते हैं? ओजीएचआई है ना, ओजीएचआई, ओ बोले तो सर्कम सेंटर, जी बोले तो एच बोले तो और तो सेंटर, धीरे धीरे याद हो जाएगी है ना. ठीक है, ये याद हो जाएगा. अगला वाला सुनना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ना आइसोसेलेस में ये सारे पॉइंट किसको होते हैं? तीनों के तीनों पॉइंट सारे एक लाइन पे होते हैं. यहां तक कोई दर्द? अच्छा, अगला वाला पॉइंट सुनना, नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर एच जी ओ हाँ कोलिनियर होते हैं और जी दोनों को एक सेकेंड, आप में से कई लोग 2:1 लिख लेंगे बराबर समझ जाएंगे लेकिन भूल जाएंगे एच किधर था, इधर के इधर, वो आपको याद होना चाहिए है कि नहीं. हाँ, गो है कि नहीं. हाँ, अच्छा, अरे आपने मेरा डायलॉग नहीं सुना था, मैंने कुछ बोला था बीच में, सुन लिया था क्या? हाँ, बस बोल रहा नहीं है. हाँ भाई, अच्छा, अब समझ में आया है कि नहीं? हाँ, अच्छा, तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं इसलिए बोला था मैंने. अच्छा चलिए, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन लोगों ने क्या बात करी थी? नहीं, वो आई जो होता है ना, वो बी प्लस सी टू ए में डिवाइड करता है इंटरनली और आई वन एक्सटर्नली डिवाइड करता है. अब आपको एक और फंडा बताता हूं, ये कहां से घुस गया यार, इतनी बारी बारी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला पॉइंट ही ऐसा है, उसका नाम है हार्मोनिक कॉन्जुगेट. और ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है? ठीक है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है? हार्मोनिक नहीं, मैं इसको भी लूंगा नहीं, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा जल्दी जोड़ूंगा.